पाकिस्तान में माशरती नज़्म व नब चैप्टर नंबर 4। हमने कुछ पहले चैप्टर में से तहरीकें पढ़ी हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट के चैप्टर को डील करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरे चैप्टर्स को भी देखना है ताकि हम अपना सिलेबस भी कवर कर सकें। तो पाकिस्तान में माशरती नज़्म व ज़ब्त चैप्टर नंबर 4 है, सिंपल चैप्टर है, आप ख़ुद भी उसको रीड आउट कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। तो सोशल ऑर्डर से क्या मुराद होती है हमारी, कि ज़माने कदीम में आबादियों में तंजीम का फुकदान था। हॉब्स कुदरती हालत को ये दौर इंसान की बेबसी और लाचारी का दौर था, क्योंकि इन अफराद को कंट्रोल करने वाली कोई तंजीम ना थी जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कार फरमा था। ताकतवर कमज़ोर पर हावी था और इंसानी ज़िंदगी इंतहाई गैर मोहतात और गैर महफूज थी। दर हकीकत जब तक इंसानी माशरा नज़्म व ज़ब्त से आरी रहा, रियासतें या इलाके जो आबादियों का मजमूआ थे महज़ एक हजूम शुमार होती थी। तो लिहाजा हमारे पास जब माशरती नज़्म व ज़ब्त या सोशल ऑर्डर से मुराद लेंगे तो नज़्म व ज़ब्त लेंगे। जैसे आज आप अपने भी देखें तो हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर जिस चीज़ की कमी नज़र आती है वो सोशल ऑर्डर हमारे पास उस तरह से मौजूद नहीं है कि रियासतें जो हैं या हमारी रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो सके और हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा कर सके। ये जो राइट्स की हमारे हमें बहम पहुंचने चाहिए वो हमें नहीं मिलते। माशरती नज़्म व ज़ब्त की अहमियत क्या होती है कि हकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी का आप में शऊर पैदा होता है, आप में एहसास पैदा होता है कि आप एक जगह पर रहते हैं, वहाँ पर आपको डिसिप्लिन होकर ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अदलो इंसाफ का हसूल है अचीविंग द जस्टिस। जब तक कि आप उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कारफरमा नहीं होना चाहिए, माशरती नज़्म व ज़ब्त मौजूद होना चाहिए, सियासी शऊर की पुख्तगी होनी चाहिए। ये जाहिर है जब आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप डिसिप्लिन होना चाहते हैं तो फिर आपके पास पॉलिटिकली तौर पर भी मैच्योरिटी पाई जाए। तो उसके बाद कहते हैं जमहूरी इकदार का फ़रोग है, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ये एक जाहिर है हम सिविक्स पढ़ रहे हैं या फर्स्ट ईयर में एक एक लेक्चर में मैंने आपको इसकी अहमियत वाजे की है कि जमहूरियत और जमहूरी वैल्यूज़ कितनी अहम है माशरे के पनपने में, उसके डिसिप्लिन होने में, उसको सोशल ऑर्डर अटेन करने में, क्योंकि उसके बग़ैर जिसमें अहम तरीन बात है जैसे आज़ादी राय का इजहार है, मुसावात है, रवादारी है, बर्दाश्त की कुव्वत है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको आपके माशरे में मौजूद होंगी तो ही आपका माशरा पनपेगा, आगे बढ़ेगा और उसके उसमें वो पिलर्स की हैसियत रखती है ये अहम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तशद्दुद और दहशतगर्दी का खात्मा जो है वो मुमकिन बनाया जाए। इजहार राय की आज़ादी और हुकूमती इंतज़ामिया में जमहूरी इकदार के सबब शिरकत उनमें किसी हवाले से भी एहसास महरूमी पैदा नहीं करती। इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़रूरी है माशरे के अंदर। अगर आप उस माशरे में तरक्की देखना चाहते हैं तो वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम बात है। वहाँ पर इंसान जो है उसकी अहमियत, उसकी ज़िंदगी, उसका मालो जान ये सबसे अहम है, तभी वो माशरा आपको पता है कि पनपेगा, आगे बढ़ेगा या तरक्की कर सकेगा। अकरबा परवरी और बदउनवानी का खात्मा होना चाहिए। करबा परवरी से मुराद यह है कि आप अपने रिश्तेदारों को ही सिर्फ अहमियत दें या उनको वो नवाज दें जो कि जिसका डिज़र्विंग कोई और है, और बदनवानी करप्शन, इसके बगैर तो जाहिर है आपके माशरे में इंतशार पैदा होगा, बदनवानी होगी, रिश्वतखोरी होगी, नजायज़ मुनाफाखोरी होगी, तो किसी भी सूरत आप एक माशरे में अच्छी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। ज़रूरियात की तकमील का सवाल है। वो कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान और दीगर अशिया जो हैं वो अगर आपके शहरियों को बहम पहुँचती रहेंगी तब भी वहाँ वो माशरा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, तरक्की की तरफ बढ़ेगा और ज़िंदगी को खुशहाली की तरफ लेके जाएगा। खुशहाल माशरे के क्याम की ज़रूरत है। तालीम और सेहत के मौके फराहम किए जाएँ, सलाहियतों के नशोनुमा के लिए मौके दिए जाएँ, जैसे कि बागात का क्याम किया जाए, खेलों का सरगर्मियों की कोशिशें की जाएँ, जो शहरी अपने अंदर सलाहियत रखता है और उसकी उसका फ़रोग चाहता है वो कोशिशें की जाएँ, बेहतर मनसूबाबंदी और तरक्की के प्लानिंग्स की जाएँ ताकि आने वाली नस्लें जो है महफूज और सिक्योर हों, उनको जॉब्स की प्रोवाइड हों, उनके जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उनको दी जाएँ, कुछ अलाउंसेस दिए जाएँ, बेरोज़गारी अलाउंस, बुज़ुर्ग अलाउंस, ऐसी मनसूबा बंदियां की जाएँ जिससे शहरी अपने आप को रियासत के अंदर मुतमईन समझें और शहरी भी समझें उस रियासत का। हकूमत और आवाम में राबते की ज़रूरत पेश होती है जिससे नए नए तरह के जो सिस्टम है गवर्नमेंट सिस्टम वो सामने आता रहता है। इज्तमाही तरक्की होनी चाहिए, तहजीब और सकाफती तरक्की का हसूल जो है वो कहता है कि डिवेलपमेंट होनी चाहिए इन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें तरह तरह के नए
आइडियाज़, नई तहजीब व सकाफ़त से, तहजीब व सकाफ़त के अंदर नई नई यूनिकनेस जो है वो पैदा करने की ज़रूरत होती है, ताकि आप माशरे को पहले बनाएं, उसको फॉर्म करें, दैन उसके बाद उसमें रंग डालें, उसको खूबसूरत तरीके से आगे चलाने की कोशिश करें। उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर वो सब चीज़ें पाई जाएँ, और वो फिर बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर अपने माशरे की तरक्की के लिए कोशिश करें। और इन सब चीज़ों को हासिल करने में हुकूमत और आवाम दोनों तरह, दोनों टू वे ट्रैफिक के ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश करें।